अस्सलाम वालेकुम बाबा, आवाज़ अच्छी क्यों मुझे? जी सर, तो पाण अज लास्ट चैप्टर जो रिव्यू कंदासे, लास्ट चैप्टर आए असो अज, लास्ट लेक्चर आए ऑलमोस्ट, पान इनके अज वाइंड अप कंदासे। तमाम जैसे कें भी को प्रॉब्लम हुए तुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी तुम है, ग्रुप भी आए तवजो, तो उनके अंदर तुम क्वेश्चंस कर सकोता। डेली बेसिस से तुम कें भी जगह पर को असिस्टेंट खपे, को परेशानी हुए तो तुम कॉन्टेक्ट कर पुछी सकोता। डेली बेस से तवजो टेस्ट जो अपलोड कर अज जो असके पढ़ो है ऑलमोस्ट इनमें इन चैप्टर के अंदर जो शून पॉल्यूशन के बारे में आई जैसी तवे ऑलमोस्ट खबर आए, छो जो पहले चैप्टर के अंदर अस पढ़ी आया से नॉर्मली पढ़ा भी आया हो, तो पॉल्यूशन आए उन प्रॉब्लम्स क्या कड़े तरीके से। चैप्टर नंबर 13 आए असो मेन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान उनजो मुआशरो या उनजो माहौल, माहौल इन्वायरमेंट के पान चवंदा आहियूं। इन्वायरमेंट नॉर्मली चइबो आहे सराउंडिंग के, सराउंडिंग में लिविंग एंड नॉन लिविंग तमाम शयूं ईंदियूं आहिनि। नॉर्मली जेकॾहिं असां वर्ड इन्वायरमेंट डे जी ॻाल्हि कयूं त 5 जून इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून, 5 जून दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मल्हायो वेंदो अथव। इन में माहौल के बारे में माण्हुनि खे आगाह कयो वेंदो आहे, माहौल आहे छा, माहौल में कहिड़ियूं शयूं आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां आहिनि। त इन्वायरमेंट में असां वटि नॉर्मली ॾिसंदव त इन्वायरमेंट में लिमिटेड सोर्सिस हूंदा आहिनि, जंहिंखे पाण नॉर्मली चवंदा आहियूं त 3 S सां उनखे शो चइबो आहे, कबो आहे 3 R सां, 3 R सां, रिड्यूस, रीयूस एंड रीसाइकल। माहौल खे जेकॾहिं तव्हां बहितर रखण था चाहियो त तव्हां वटि जेके बि शयूं आहिनि तव्हां उनमें 3 R यूज़ कंदा आहियो। 3 R जो मतिलबु आहे रिड्यूस यूज़िस, तव्हां शयुनि खे घटि यूज़ कयो, ऐं ॿियो हूंदो अथव ट रिड्यूस खां बाद में रीयूज़ कयो, माना का बि शइ तव्हां वटि मौजूदु आहे उनखे दुबारा यूज़ करे सघो था। एंड अदर वन इज़ द रीसाइकल, जॾहिं तव्हां माहौल खे सुठो रखण था चाहियो या पॉल्यूशन खे घटि करण था चाहियो या उन खां बाद में शयुनि खे सस्ते रखण था चाहियो त महांगो न थियनि, त उन जे लाइ ज़रूरी आहे तव्हां रिड्यूस कयो, रीयूस कयो, रीसाइकल कयो। पास्ट में पेजिस पना जेके आहिनि अलाए केतिरा असां ख़राबु करे छॾिया आहिनि, अलाए केतिरा जेके आहिनि तबाह करे छॾिया आहिनि, माना घरनि में ईअं ई साड़े छॾींदासीं। पर हाणे छा थो थिए, काटन आहिनि, पेजिस आहिनि, पेपर्स आहिनि, बुक्स आहिनि, तव्हां रीसेल करे उन मां पैसा कमाए सघो था, ऐं फैक्ट्री उनखे वरी रीसाइकल करे करे उनखे सस्ते दाम में थोड़नि पैसनि ते, थोड़नि प्रोसेस मां उनखे जेका आहे घटि एनर्जी, घटि पैसनि जी मदद सां उनखे रीयूज़ करे वठंदी आहे। असां वटि दुनिया में ॿिनि क़िस्मनि जा सोर्सिस आहिनि, रीसोर्सिस आहिनि, रीसोर्सिस उन में हिकिड़ा आहिनि, वन आर नोन एज़ रीन्यूएबल, रीन्यूएबल रीसोर्सिस, एंड अदर आर नॉन रीन्यूएबल। हाणे रिन्यूएबल रिसोर्सिस उहे आहिनि जिन्हनि खे तव्हां यूज़ कयो, उहे कॾहिं ख़तमु न थिए। जेकॾहिं तव्हां हुनखे हिकिड़ी शइ में यूज़ कयो त उन मां ॿी शइ में कन्वर्ट थी वञे त, ऐं उहे तादाद में, क्वांटिटी में डिक्रीज़ न थियनि, उनखे पाण रिन्यूएबल रिसोर्सिस चवंदा आहिनि। उन रिन्यूएबल रिसोर्सिस में तव्हां वटि एग्रीकल्चर आहे, ज़राइत आहे, एग्रीकल्चर आहे, तव्हां वटि उन खां बाद में फिश आहे, वाइल्ड लाइफ आहे, ऐं इन खां बाद में जॉइन कराए वठां त असां वटि जेके रिन्यूएबल रिसोर्सिस आहिनि, पाण वटि जेके कॉमनली रिन्यूएबल रिसोर्सिस आहिनि उन में तव्हां वटि वाटर आहे, एयर आहे, सॉयल आहे, ऐं उन खां बाद में वाइल्ड लाइफ आहे, फॉरेस्ट आहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आहिनि, ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि तव्हां उन्हनि खे यूज़ कयो था, ऐं उहे हमेशह माहौल में सस्टेन कनि थियूं, माहौल में हमेशह मौजूदु रहनि थियूं, उन्हनि जी तादादु कॾहिं बि घटि नथी थिए। अहिड़ियूं शयूं जेके दुनिया में रीसाइकल कनि,
अड़ी शूं जो दुनिया में घट न थन वरी उन्हीं फॉर्म में सेम फॉर्म में अची वन अड़े किस्म के सोर्सिस के पा रिन्यूएबल रिसोर्स चवंदा जी को भी जानदार पानी के यूज़ करे तो सेम कदें न कदें वो वरी पानी की फॉर्म में अची तो वे टेम्परेचर के यूज क्या या मुख्तलिफ शन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल नेवर डिक्रीज ही घट नींद हमेशा इन तादाद हलंदी रही रिप्लेनिश रिप्लेनिश माना सेम फॉर्म में दोबारा अची सकन थी बायोफिजिकल और बायोलॉजिकल में रिन्यूएबल रिसोर्स रिप्लेनिश होंद दोबारा रिप्लेनिश बाय फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस तवा कें बायोलॉजिकल प्रोसेस या उनमें उनके नॉन रिन्यूएबल जी ये एग्जॉस्ट थी वेंद खत्म थी वेंद नेवर रिटर्न बैक आर वी कैन से द कन्वर्ट इंटू सेम फॉर्म जी पेट्रोल आ तुम पेट्रोल के सारो था तो उनमें मैकेनिकल वर्क थे तो या धुओं थी तो वे तयलो है उनके सारो था वो धुओं थी तो वे एनर्जी मिले थी उनमें तो अड़े तरीके से पेट्रोल आए डीजल आए गासलेट आए कोयलो आए इनके पान फोसिल फ्यूल जो नालो दिना फोसिल फ्यूल फोसिल फ्यूल जो मतलब आए तो जानदार जहा बॉडी पार्ट्स फोसिल्स की फॉर्म में डीकम्पोज थे उन डीकम्पोज थियण का बाद में जमीन में असेंगे कोयलो मिले तो डीजल मिले तो पेट्रोल मिले तो गासलेट मिले तो या अड़े किस्म जो तमाम शूं असेंगे जमीन में ही मिलन तो अड़े तरीके से पान वट ऑयल आए कोल आए नेचुरल गैस आए मेटल्स आए इंडस्ट्रियल मटीरियल आए या ज़्यादातर जमीन से मौजूद उ शूं जिन यूज कर वरी उ सेम फॉर्म में कदें भी न अचन उन्होंने पान नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स चाहिए दोबारा फ्री घुमी जो सेम फॉर्म में कहीं अची वन उन्होंने पान रिन्यूएबल रिसोर्स जो नालो दिंदा हाँ अस कुछ सोर्सिस जी पान वट एयर आए एयर अस रिन्यूएबल रिसोर्स आए इन में तकरीबन 21% ऑक्सीजन 78-79% नाइट्रोजन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के सरफेस से तकरीबन 600 मीटर ताई एयर मिले थी या एटमॉस्फेरिक लेयर मिले थी हर जानदार के लिए हवा जरूरी है छोजो ज्यादातर असाज स्पेशली पान ऑक्सीजन के यूज क्या कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज आउट क्या तबर है हवा जी उन मदद से ही गैसेस ट्रांसपोर्ट थन थी एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अदर इज द वाटर पानी पान पे भी पढ़ी है 75% जमीन के सरफेस से वाटर अवेलेबल है दुनिया में जो पानी है अबाउट 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी दो वाटर अवेलेबल है उन 93% सी या ओशन में आए सी ओशंस में असेंगे मिले तो जडे त 4% जो है जमीन के मथा अर्थकर्स से मौजूद है अर्थकर्स से मौजूद है जमीन के सरफेस से अवेलेबल है तकरीबन 2% जो है ग्लेशियर्स में अवेलेबल है ग्लेशियर्स जो ग्लेशियर माना आइस की फॉर्म में आइस केप्स के अंदर अवेलेबल है तकरीबन सालाना जो लेक्स में लेक में जो अवेलेबल था वो 0.052% लेक्स में या पॉन्ड्स में अवेलेबल है सालाना जो बरसात पे थी या बारिश पे थी उनमें तकरीबन 37,000 क्यूबिक किलोमीटर जो है पानी बारिश की फॉर्म में असें वट अचे तो 37,000 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो पानी अचे तो रेन की सूरत में प्रिसिपिटेशन उनके चवंदा प्रिसिपिटेशन जो नालो डिबो है उनके तकरीबन केतरी कंडीशन है 37,000 क्यूबिक किलोमीटर जो है प्रिसिपिटेशन थे थी इन में तकरीबन 10% पानी पान यूज क्या 90% दोबारा ये पानी समुंड के अंदर वे तो समुंड में असें लूण मिले तो उनके टेबल साल्ट चवंदा पान
पहिरियों असां छा कंदासीं, लुणियाटी ज़मीन जे मथां जेको लूण हूंदो हुयो उन लूण खे असां प्यूरीफाए कंदासीं, हुन मां मिटी अलॻि कंदासीं ऐं लूणु अलॻि कंदासीं। पर हाणे छा थो थिए त असां लूणु समंड मां ई कढी सघूं था। समंड जे अंदरि जेके साल्ट मौजूदु आहिनि उनखे असां गरम कंदा आहियूं या कंटेनर्स जी मदद सां, प्रोसेस जी मदद सां उन मां वाटर खे अलॻि कबो आहे ऐं पा उन सां सॉल्ट जेके अवेलेबल हूंदा आहिनि उनखे अलॻि कंदा आहियूं। हाणे ज़मीन जे अंदरि जेको पाणी अवेलेबल आहे उनखे ग्रेविटेशनल वाटर चइबो अथव। ग्रेविटेशनल वाटर जो नालो ॾींदा आहियूं, माना अहिड़ो पाणी जेको रेन वाटर परकुलेट इन ग्राउंड, जेको ज़मीन जे अंदरि बारिश जो पाणी या हेठि ज़मीन में हलियो थो वञे उनखे ग्रेविटेशनल वाटर चइबो आहे। ऐं इन खां बाद में जॾहिं का गीली मिटी आहे ऐं उन सां गॾु जेको पाणी जी लेयर अवेलेबल आहे उनखे कैपलरी वाटर चइबो अथव। कैपलरी वाटर वाटर प्रेज़ेंट जी बाबा सर छोकिरी जी क्लास जॉइन न पई थिए, उनखे जॉइन करायो। जी जी करायो सर। पाणी जी लेयर जेका हिन सां गॾु अवेलेबल आहे वाटर फिल्म असां चवंदा आहियूं, जेका गीली मिटी हूंदी आहे उन गीली मिटीअ सां गॾु जेको पाणी अवेलेबल आहे उनखे पाण स्पेशली नालो ॾींदा आहियूं त दैट्स नोन एज अ कैपलरी वाटर। ऐं ॿियो आहे जंहिंखे पाण हाइग्रोस्कोपिक वाटर चवंदा। पाणी जॾहिं असां कॉमनली जॾहिं ड्राई सॉइल खणूं, का मिटीअ खणूं ऐं उन मिटीअ में बि 100% पाणी ख़तमु न हूंदो आहे, माना ईअं न हूंदो आहे त 100% पाणी ख़तमु थी वञण में, वेरी मैन्यूट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल विद द ड्राई सॉइल। धूड़ जेका हूंदी आहे या ड्राई सॉइल जेका हूंदी आहे उन में लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल हूंदो आहे, तमामु घटि पाणी अवेलेबल हूंदो आहे। हाणे ड्राई सॉइल सां गॾु बि जेको थोरो घणो पाणी अवेलेबल हूंदो आहे उनखे पाण हाइग्रोस्कोपिक वाटर चवंदा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर चवंदा। ऐं वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स आहे ऐं तक़रीबन ज़मीन ते जेको पाणी अवेलेबल आहे उहो तक़रीबन जेको लैंड एरिया आहे उहो आहे असां 23-25% ऐं 75% वाटर जेको आहे असां वटि ऑन द अर्थ अवेलेबल आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको पाणी ज़मीन खां साइकिल करे थो, जेके सी या ओशन रीजन्स हूंदा आहिनि उन खां 85% हवा में एवापोरेट थिए थो या मां क्लाउड्स आंदा, ऐं असां वारो जेको लैंड एरिया आहे उन मां 85% जेको आहे क्लाउड्स ठहंदा। पर कंडीशन छा हूंदी आहे त तक़रीबन इन 85% मां 15% बारिश जेका आहे इन सी या ओशन रीजन ते पवंदी आहे ऐं रिमेनिंग पोर्शन पाणी हिन सां गॾु ईंदो आहे। ऐं हिन जॻह ते तक़रीबन 85% असां वटि बारिश जी फॉर्म में ज़मीन ते ई पवंदो आहे, माना ओशन खां पाणी मथे 85% एवापोरेट करे थो, उन मां 15% पाणी जेको आहे उते ओशन वारी जॻह ते एवापोरेशन जी फॉर्म में, प्रिसिपिटेशन जी फॉर्म में हूंदो आहे। बाक़ी रिमेनिंग पोर्शन जेको आहे उहो अची करे असांजे मथां शावर कंदो आहे। जेकॾहिं पाणी न हुजे आहे त शायदि असां कॾहिं जो ख़तमु थी वञो आहे, या उहो एरिया तव्हां ॾिसो जिते पाणी न आहे, कहिड़ी बि ज़रख़ेज़ ज़मीन अथसि, केतिरा बि जानदार अथसि, पर पाणी न हुअण जे करे तव्हां पाण ॾिसंदो उन इनवायरमेंट जी हालति कहिड़ी आहे ऐं कंडीशन कहिड़ी आहे। असां वटि थर जो एरिया आहे ऐं उन खां बाद में बलूचिस्तान जा जाम सारा एरिया आहिनि, तव्हां वटि जाम खुलियल एरिया आहे, बट देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पाणी जे न हुअण जे करे उन एरिया खे उहो सरियाब न करे सघंदा आहिनि, जंहिंजे करे उहो एरिया एतिरो कामयाबु न आहे या उनमें। एंड नेक्स्ट इज़ द लैंड, लैंड जंहिंखे पाण ज़मीन चवंदा, छो जो दुनिया जो तक़रीबन 23-25% ज़मीन जो जेको अर्थ एरिया आहे उनजे मथां लैंड आहे ऐं उन लैंड ते तव्हां वटि फॉरेस्ट मौजूदु आहिनि, उन ज़मीन जे मथां तव्हां वटि जेके डेज़र्ट्स मौजूदु आहिनि, तुंदरा मौजूदु आहिनि ऐं सवाना मौजूदु आहिनि, ऐं इन्हनि तमामु जानदारनि मां, तमामु रीजन्स मां या इको सिस्टम मां तव्हांखे प्लांट्स मिलनि था, एनिमल्स मिलनि था या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जानदार मिलनि था जेके उते अवेलेबल आहिनि। इन खां बाद में असां वटि आहे वाइल्ड लाइफ आहे। वाइल्ड लाइफ इज़ आल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स, माना जंगली जीवत खे चइबो आहे, जेके जानदार इन्वायरमेंट में खुलियल माहौल में पंहिंजो पाण पंहिंजे कुदरत जे सहारे ते हलनि था, पंहिंजे फितरत जे सहारे ते हलनि था, उन में इंसान जो को बि रोल न आहे, उनखे पाण वाइल्ड लाइफ चवंदा आहियूं। ऐं अहिड़े तरीक़े सां इहे तमामु शयूं जेके आहिनि, वाइल्ड लाइफ हुजे, लैंड हुजे या नेक्स्ट एनर्जी बि अथव, पर एनर्जी जा सभु फॉर्म रिन्यूएबल रिसोर्स न आहिनि, पर कुझु अहिड़ा आहिनि जेके रिन्यूएबल आहिनि, कुझु नॉन रिन्यूएबल आहिनि,
जेके फोसिल फ्यूल आहिनि उहे नॉन रिन्यूएबल आहिनि, ऐं उन खां बाद में फोसिल फ्यूल में पाण वटि कहिड़ियूं शयूं थियूं अचनि। हिते तव्हां ॾिसी सघो था त असां वटि जेके नॉर्मली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस जेके आहिनि, कोल आहे, पेट्रोल आहे, नेचुरल गैस आहे, तार आहे, ऑयल शेल्स आहिनि, न्यूक्लियर फ्यूल्स आहिनि। जंहिं न्यूक्लियर फ्यूल्स में तव्हां वटि यूरेनियम आहे, थुरेनियम आहे, ड्यूटेरियम आहे, लिथियम आहे। ऐं रिन्यूएबल रिसोर्सिस में तव्हां वटि सोलर एनर्जी आहे, हाणे अॼुकल्ह सोलर एनर्जी जाम थी हले पई, फॉलिंग ऑफ वाटर आहे, विंड वेव एनर्जी आहे, ऐं ओशन करंट आहिनि, टाइड्स आहिनि, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आहे, प्लांट मटीरियल आहे। इहे तमामु शयूं पाण अॻिते हली करे डिस्कस कयूं था। ऑलमोस्ट जेके नॉन रिन्यूएबल ऐं रिन्यूएबल ॿिन्हिनि मां कुझु न कुझु असां डिस्कस कंदासीं। पहिरीं आहे असां वटि फोसिल फ्यूल। नंबर वन दैट इज़ अ फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल पाण चवंदा आहियूं पेट्रोल खे, डीज़ल खे, गैसलेट खे। जी बाबा जी, वाटर में जेका फिगर ठहियल आहे, थ्री टाइप ऑफ सॉल्वेंट, उहा त सम्झायो। ये बुक में सर, हा हिन में फिगर जेका ठहियल आहे या ईअं ई ॾिनी अथनि, हिननि सॉइल पार्टिकल्स ॾिना अथनि, उन खां बाद में हाइग्रोस्कोपिक वाटर ॾेखारियो अथनि। हाइग्रोस्कोपिक वाटर उनखे चवंदा जेको ड्राई सॉइल सां अवेलेबल आहे, पर मिटीअ जे ज़रड़नि जे विच में जेका पाणी जी विच वारी लेयर आहे उनखे कैपलरी वाटर चवंदा। ऐं ग्रेविटेशनल वाटर जेको बारिश जो पाणी जजी क्वांटिटी में ज़मीन सां मिटीअ सां एब्ज़ॉर्ब हूंदो आहे उनजे लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं। हिकिड़ो आहे ग्रेविटेशनल वाटर, उहो बारिश जो पाणी जेको घणी क्वांटिटी में तव्हांजी ज़मीन सां अवेलेबल आहे उनखे ग्रेविटेशनल वाटर चइबो आहे। कैपलरी वाटर चइबो आहे वाटर फिल्म खे, वाटर फिल्म खे चइबो आहे। गीली मिटी सां पाणी जी जेका लेयर अवेलेबल आहे उनखे कैपलरी वाटर चइबो आहे। हाइग्रोस्कोपिक वाटर असां हुनखे चवंदा आहियूं जेको ड्राई वाटर, ड्राई सॉइल सां हूंदो आहे, मतिलबु मिटी आहे, ज़रात आहिनि, उन ड्राई कंडीशन में जेके पाणी अवेलेबल आहे उनजे लाइ स्पेशली पाणी यूज़ कंदा आहियूं। इन खां पोइ असां वटि आहे न्यूक्लियर एनर्जी अथव फ्यूल में, गैसलेट था अचनि ऐं न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी आहे। न्यूक्लियर एनर्जी जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं, हालांकि हीअ न्यूक्लियर एनर्जी ख़तरनाक आहे, उन सेंस में ख़तरनाक आहे, छो जो जेकॾहिं तव्हां इनखे यूज़ कयो था त इन मां रेडिएशन्स निकिरंदा आहिनि, ऐं रेडिएशन्स निकिरण जे करे तव्हां जेके माण्हू आहिनि ज़्यादातर उहे एबनॉर्मल थी सघंदा। हालांकि इन मां एनर्जी जाम मिले थी। हाणे तक़रीबन 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल जेकॾहिं तव्हां टोड़ींदव, 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल माना यूरेनियम आहे या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे न्यूक्लियर फ्यूल्स खे चवंदा आहियूं, जेकॾहिं असां हुनखे टोड़ियूं था त उन मां 79 kJ जेका आहे उहा हीट निकिरे थी, ऐं उन खां बाद में इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जेका ठहे थी 30 lakh kilowatt जेका आहे उहा एनर्जी मिले थी। 3 ॿुड़ियूं हिते अथसि ऐं उन खां बाद में 3 बाद में अथसि, ईअं कयो या ईअं कयोसि। हीअ त हेतिरी असांखे किलोवाट एनर्जी मिले थी। तव्हां सम्झी सघो था त जेके वर्ल्ड में, दुनिया में जेके न्यूक्लियर मुल्क आहिनि, न्यूक्लियर कंट्रीज़ आहिनि, उहे ज़्यादातर इन मां पंहिंजी एनर्जी जी पुराव कंदा, जंहिंजे करे उन्हनि वटि इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टफॉल न आहे। पर पाकिस्तान छो जो रिन्यूएबल रिसोर्सिस खे यूज़ करे थो, विंड खे यूज़ करे थो, सोलर खे यूज़ करे थो ऐं वाटर खे यूज़ करे थो, तंहिंजे करे उन वटि एतिरी एनर्जी अवेलेबल न आहे, एनर्जी क्राइसिस आहिनि। पर जेकॾहिं पाण न्यूक्लियर फ्यूल खे टोड़णु शुरू कंदासीं त उन मां असांखे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली सघे थी। पर असांखे उहे मुल्क ज़्यादातर जंहिंखां असां कर्ज़ो वरिती वेठा आहियूं, उहे असांखे कमु करणु नथा ॾियनि, छो जो हू चाहिनि था असांखां जेकॾहिं हीअ पंहिंजे न्यूक्लियर फ्यूल मां पंहिंजी एनर्जी ठाहींदा त इन्हनि जूं इंडस्ट्रीज़ तरक़ी कंदी ऐं माण्हू तरक़ी कंदा। जेकॾहिं इंडस्ट्रीज़ ऐं माण्हू जेकॾहिं तरक़ी कंदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि खां कर्ज़ो छो वठंदा। पर अहिड़े तरीक़े सां ऐं ॿी हिकु एलिगेशन्स लॻाए था वञनि त बाबा न्यूक्लियर फ्यूल खे जेकॾहिं तव्हां यूज़ कंदव त उन मां रेडिएशन्स निकिरंदा ऐं उहे रेडिएशन्स तव्हां रोके माण्हू बीमार थींदा, माण्हुनि खे जेके आहिनि प्रॉब्लम्स थींदो, एबनॉर्मलिटीज़ थींदियूं,
ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बुख में त असां भरूं था, जेकॾहिं ॿ टे कुझु माण्हू असांजा जेकॾहिं बीमारी में बि मरी विया त ख़ैरु आहे, को मसइलो न आहे, पर अचण वारी जनरेशन या नसल जेका आहे उहा त सुधरी सघे थी। तंहिं करे न्यूक्लियर फ्यूल माना असां न्यूक्लियर कंट्री ज़रूरु आहियूं, पर न्यूक्लियर फ्यूल खे यूज़ करणु नथो ॾिनो वञे। जॾहिं असांखे न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करणु, ॿी का बि जेकॾहिं गवर्नमेंट कोशिशि न करे सिर्फ़ु इन न्यूक्लियर पावर प्लांट खे अपडेट करे ऐं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जी मदद सां जेकॾहिं न्यूक्लियर फ्यूल खां मां न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करणु शुरू करे, त न्यूक्लियर मां इलेक्ट्रिसिटी जॾहिं ह्यूज क्वांटिटी में डेवलप थींदी त तव्हांजा अल्टीमेटली कारखाना जेके आहिनि उहे डेवलप थींदा। जॾहिं इंडस्ट्रीज़ ऐं कारखाना तव्हांजा डेवलप थींदा, तव्हांखे कंहिं खां कर्ज़ु वठण जी ज़रूरत न पवंदी ऐं अल्टीमेटली ग़रीब अमीर सभु माण्हू जेके आहिनि पंहिंजे तरक़ी जी तरफ़ गामज़न हूंदा। पर नॉर्मली बाबा सर अमीशा जी क्लास ज्वाइन करायो। अमीशा जी क्लास ज्वाइन करायो जी सर। जोया है अमीशा किथे आ? ता एड़े तरीके सा अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं इहा सेम एनर्जी तव्हां जेकॾहिं कोयले मां हासिलु करणु चाहियो, तव्हांखे ख़बर आहे केतिरा टन जेके आहिनि कोयले जा साड़णा पवंदा? 3 मिलियन केजी ऑफ कोल तव्हांखे साड़णो पवंदो तॾहिं वञी करे एतिरी एनर्जी मिलंदव। 3 मिलियन केजी कोल जेको आहे तव्हांखे साड़णो पवंदो। माना नॉर्मली जेका तव्हां 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल मां तव्हां जेका एनर्जी प्रोड्यूस करे सघो था, उहा सेम एनर्जी तव्हां 3 मिलियन कोल मां, केजी कोल मां वठंदव। छाजे करे? छो जो हुनजो घणो हिसो जेको आहे उहो हवा में जेको आहे उहो थींदो, या हुनजी प्रॉपर बर्निंग न थींदी। हाणे प्रॉपर बर्निंग न थियण जे करे हुन मां रॉ मटीरियल ठहंदो। तंहिंजे करे कोयले मां जेको पैसो असां कोयले ते ख़र्चु कयो आहे हिन में थर वारे एरियनि में, असां वटि जेके पावर प्लांट्स मौजूदु आहिनि, हाणे जेकॾहिं असां थर में कोयले मां निकिरंदड़ जेका बिजली आहे उन ते करोड़े रुपए जो ख़र्चु आहे। जेकॾहिं असां उन ख़र्च खे सिर्फ़ु असां न्यूक्लियर फ्यूल वारे सिस्टम में लॻायूं आहे त शायदि असांजी क़िस्मत ई बदिली वञे। माना असां वटि सभु शइ अवेलेबल आहे, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इफ़ गवर्नमेंट जस्ट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू देयर पॉपुलेशन, देन वी कैन ईज़ली गेट द डेवलपमेंट। त आसानी सां तव्हां जेके आहिनि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जे करे एनर्जी क्राइसिस मां निकिरी सघो था। तव्हां पाण सोचे सघो था पर पास्ट में ऐं हिन वक़्त में फ़र्क़ु सिर्फ़ु एनर्जी जो आहे। पास्ट में असां वटि एनर्जी घणी, तंहिं करे फैसलाबाद जूं फैक्ट्रियूं हलनि पियूं, कराची जूं फैक्ट्रीज़ हलनि पियूं, इंडस्ट्रीज़ हलनि पियूं, पर हाणे असां वटि एनर्जी क्राइसिस आहे ऐं उन एनर्जी क्राइसिस जे करे इलाही सारो जेको आहे मईशत जो पयो जेको आहे रुकिजी वियो आहे ऐं माण्हू वीचारा कमु करे नथा सघनि ऐं घणे खां घणो ख़र्चो जेको आहे असांजो बैटरी ख़र्च करण में, UPS लॻाइण में, या घणनि शयुनि जे अंदरि तव्हांजो लॻी थो वञे। पर जेकॾहिं असां इन शइ खे कवर करे वठूं त शायदि असां जहिड़े अमीर मुल्क जो जेको आहे शुमारु सऊदी अरब या ॿिया मुल्क जेके आहिनि असांजे पोयां हुजनि, छो जो इहे मुल्क एतिरा डेवलप न आहिनि। सवाइ उन्हनि वटि सोनो त आहे, सोने जी काणू आहिनि, पर उन्हनि वटि उहा शइ न आहे जेका असां वटि ख़ज़ाना आहिनि। ऐं उहे ख़ज़ाना कहिड़ा आहिनि? दैट इज़ द 5 या 4 कैश क्रॉप्स आहिनि, जेके हर साल तव्हांखे कैश क्रॉप्स, तव्हां बुख न मरंदव कॾहिं बि ज़िंदगीअ में। जेका क़ौम बुख न थी मरी सघे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन माण्हूअ जे मथां या उन क़ौम जे मथां ख़ुश्कसाली काप या ॿी शइ कीअं असरु कंदी? त हिन करे तव्हां ॾिसो असांजी ज़मीन ख़ज़ानो आहे ऐं उन ज़मीन मां तव्हांखे वीट मिले थी, ज़मीन मां तव्हांखे राइस मिले थो, ज़मीन मां तव्हांखे काटन मिले थी ऐं इन सॉइल मां तव्हां जेके आहिनि शुगर गुड़ था ठाहियो, खंड था ठाहियो, शुगर केन मिले थो तव्हांखे। त तव्हां ॾिसो ह्यूज अमाउंट ऑफ मटीरियल दैट इज़ अवेलेबल इन अवर अर्थ। तंहिं करे ज़मीन असांजो सोनो आहे, सोने मां जेके आहिनि सोने की चिड़िया आहे, पाकिस्तान असांजो सोने की चिड़िया आहे। सिर्फ़ु आहे सिर्फ़ु जेके आहिनि असांखे इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोवाइड कई वञे त असां ॾिस कीअं हिन दुनिया ते हुकूमत था कयूं। सिर्फ़ु इन्हीअ ते असांजा हुकुमरान कमु कनि ऐं जेकॾहिं इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल न आहे त तव्हां ॾिसो ज़हनी तौर ते पज़ल आहे ऐं उन पज़ल थियण जो मेन मक़सदु इहो ई अथव। हाणे जियो थर्मल एनर्जी आहे त ज़मीन मां इलेक्ट्रिसिटी ठाहे सघो था, छो जो ज़मीन जे अंदरि गर्मी आहे,
ऐं उन गर्मी खे तव्हां थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करे सघो था, थर्मल एनर्जी में तव्हां कन्वर्ट करे सघो था। ऐं उन थर्मल एनर्जी जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त ज़मीन मां तव्हां उन टेम्परेचर खे कन्वर्ट करे करे जियो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करे, छो जो ज़मीन में मैग्मा आहे या सतनाई त वोल्केनो आहे, प्लाज़्मा आहे, ऐं उनजे अंदरि ह्यूज टेम्परेचर वारा जेके इन्वायरमेंट्स अवेलेबल आहिनि। तव्हां उन गर्मी खे जज़्ब करे करे तव्हां इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे सघो था। पास्ट में असां वटि सोलर एनर्जी एतिरी यूज़ न थी, पर हाणे असां वटि सोलर जेके इनक्लेव्स अची विया आहिनि। तव्हां घर जे अंदरि ॻोठनि में ॾिसो जाम सारियूं शयूं जेके आहिनि सोलर ते हलनि पियूं। ऐं सॉलिड वेस्टेज जो मतिलबु इहो अथव त जेके बि गटर में गंद आहे, असांजे घरनि जे अॻियां उभरनि था इहे गटर, पर गवर्नमेंट खे शर्म नथो अचे या गवर्नमेंट खे इहा एबिलिटी न आहे या गवर्नमेंट इहा शइ नथी करे त इन गटर मां ई असां जेका आहिनि बिजली ठाहे सघूं था। गटर जे अंदरि जेको असां डिफिकेशन कंदो आहे उन मां जेको असांजो गंद आहे, जानवरनि जो छेणो जेको आहे, इनखे जेकॾहिं असां कलेक्ट करे करे टैंकाइन टर्बाइन में लॻायूं त उन मां असांखे बायोगैस मिली सघे थी। ऐं इन बायोगैस मां तव्हां नंढे लेवल ते तव्हां नंढियूं नंढियूं फैक्ट्रियूं हलाए सघो था, नंढी लेवल ते तव्हां इन मां टर्बाइन्स लॻाए सघो था, सॉरी जेके इन चकियूं लॻाए सघो था, या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो कमु करे सघो था। तंहिंजे करे इहो ज़रूरी आहे त सॉलिड वेस्टेज मां तव्हां ॻोठनि में ॾिसो असांजा माण्हू ईअं काठियुनि खे ॿारनि पिया, पर उन्हनि में इहो अकुलु न आहे त मेंह छेणा थी ॾिए ऐं उन छेणनि में हथ विझूं वेठा आहिनि, पर उन छेणनि खे खणी करे कंहिं कंटेनर में विझी करे उनखे ढक ॾेई करे उन मां गैस कढनि ऐं उन गैस सां उहे पंहिंजे घर जो चूल्हो ॿारे सघनि था, बजाए इन जे जेके आहिनि डेली बेस ते उहे जेके आहिनि काठियूं करे अचनि त सिर्फ़ु मेंह जेको छेणो थी ॾिए, मेंह खे खाराइनि ऐं मेंह मां शयूं जेके आहिनि वठंदा उहो खीरु थो मिले वञे, ऐं मेंह जो गोबर बि कम जो आहे। उन मेंह या गऊं जे गोबर खे जेकॾहिं खणी करे कंहिं कंटेनर में विझनि, कंहिं वॾे जेके आहिनि टैंक में विझनि ऐं उन टैंक खे कंप्लीटली सील करे छॾनि त उनजे अंदरि गैस ठहंदी। उन गैस खे कलेक्ट करे पाइप जी मदद सां तव्हां घर जे अंदरि जेको बि तव्हांजो घर जो कमकार आहे, चूल्हो आहे, तव्हां ॿारे सघो था उन मां, त बायोगैस ठही सघे थी। बजाए जे जेके आहिनि तव्हां छेणनि में हथु विझो या छेणनि में गंद कयो, तव्हां बग़ैर कंहिं अहिड़ी कंडीशन जे तव्हां आसानी सां जेके आहिनि गैस ठाहे सघो था। ॿियो अथव विंड वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी। विंड वेव ओशन थर्मल एनर्जी जो मतिलबु आहे त समुंड जो जेको मथों एरिया हूंदो आहे उनजो टेम्परेचर पाण कल पढ़ी आयासीं त तक़रीबन 32 सेंटीग्रेड उनजो टेम्परेचर एवरेज हूंदो आहे। तव्हां नॉर्मली अहिड़ा टर्बाइन्स लॻायो छो जो हेठियों रीजन थधो हूंदो आहे, मथियों गरम हूंदो आहे गर्मी वारी कंडीशन में, त तव्हां जॾहिं टेम्परेचर गर्मी खां थधि जी तरफ़ वञी रहियो हुजे त उहो पाणी छो उन टेम्परेचर खे एब्ज़ॉर्ब करे, तव्हांजा टर्बाइन्स जेके आहिनि उन टेम्परेचर खे एब्ज़ॉर्ब करे वञनि। पर नॉर्मली असां वटि हिते जेको टेम्परेचर ॾिनल आहे उहो 25 सेंटीग्रेड अथव, छो जो हेठियों रीजन 5 मीटर डेप्थ ते तक़रीबन 5 सेंटीग्रेड हूंदो आहे, मथीं सरफेस जो टेम्परेचर 25 हूंदो आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे टेम्परेचर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐं उन हायर खां लोअर टेम्परेचर ते जॾहिं का शइ मूव कंदी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन टेम्परेचर खे तव्हां कलेक्ट करे करे तव्हां इलेक्ट्रिकसिटी बिजली ठाहे सघो था। टाइड्स छोलियनि खे चइबो आहे छो जो जेके इन जे मथां अपवेलिंग थींदी आहे, जेके टाइट्स छोलियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि टाइट्स या छोलियुनि जी मदद सां तव्हां वॾा टर्बाइन्स या पंप हलाए सघो था, ऐं उन में एनर्जी हूंदी आहे, काइनेटिक एनर्जी हूंदी आहे, उन एनर्जी खे तव्हां कलेक्ट करे करे तव्हां पंहिंजी ज़रूरत खे पूरो करे सघो था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जंहिंखे हेस्को चओ था तव्हां, बिजली तव्हांजी तमामु घटि उन मां ठहे थी पई तव्हांजे ज़रूरत जे लिहाज़ सां। पाकिस्तान जेका आहे तक़रीबन 4300 मेगावाट इलेक्ट्रिकसिटी ठहे थी, ऐं जॾहिं तव्हां इन खां कई दफ़ा वधीक असां वटि जेका आहे इलेक्ट्रिकसिटी जी ज़रूरत आहे। ऐं उन खां बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जेके पाकिस्तान में लॻियल आहिनि उहे तरबेला में आहिनि, मंगला में आहिनि, ऐं वर्कसक ऐं दरगाही वारे एरिया ते जेके आहिनि उनखे एक्सटेंड कयो वियो आहे, उनखे बि डेवलप करायो वियो आहे। हाणे मेन मसलो जो जेको इलेक्ट्रिकसिटी न्यूक्लियर फ्यूल मां न ठाहिण जो अथव उहो इहो अथव त पहिरीं असांखे हिफ़ाज़ती तदाबीर करणु खपनि, छो जो ख़तरो इहो आहे त 1986 में रशिया जे अंदरि तक़रीबन 5000 खां 75000 माण्हू जेके आहिनि उहे डेथ करे विया। छाजे करे डेथ करे विया? छो जो उन्हनि हिकिड़ो चर्नोबाइल पावर प्लांट लॻायो, चर्नोबाइल पावर प्लांट, पावर प्लांट हुयो जेको 1986 में रशिया वारनि लॻायो, ऐं उनमें तक़रीबन उनजा 5000 खां 70000 ताईं माण्हू 75000 ताईं माण्हू कैंसर में मुबतला थी विया, ऐं एतिरा ई ॿिया माण्हू जेके आहिनि एबनॉर्मलिटी में शिकार थी विया। ऐं अहिड़े तरीक़े सां इन रेडिएशन्स जे करे माण्हुनि में जेका आहे म्यूटेशन थी सघे थी,
माण्हुनि में म्यूटेशन थियण सां गॾोगॾु जानदार एक्सटेंट थी सघंदा, इंडेंजर्ड थी सघंदा या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रॉब्लम थी सघंदा। त हिन करे इहो ज़रूरी आहे त जॾहिं बि तव्हां पावर प्लांट्स लॻायो त उन जे लाइ तव्हांखे माहौल दोस्त शयुनि जो यूज़ करणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं पॉपुलेशन जी तरफ़ ईंदो, माना पॉपुलेशन जे लाइ खाधे जो हुअणु ज़रूरी आहे, जेको पाण बायोटेक्नोलॉजी जी मदद सां कोशिशि पिया कयूं, त दुनिया जी पॉपुलेशन 1975 में तक़रीबन 4 बिलियन हुई। ऐं अहिड़े तरीक़े सां 1987 में इहा पॉपुलेशन वधी करे 5 बिलियन थी वई। ऐं अहिड़े तरीक़े सां तक़रीबन चयो थो वञे त 2020 में, हाणे हिन वक़्तु जेका आहे 2020 में, इहा 20 बिलियन थी वेंदी, सॉरी 10 बिलियन, 10 बिलियन आहे। ऐं उन खां बाद में 2050 ताईं इहा डबल थी वेंदी, माना इट रीच अप टू 20 बिलियन पॉपुलेशन। पाकिस्तान जी आबादी तक़रीबन 22 करोड़ खां बि मथे वधी वई आहे। ऐं दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ थियण जो जेको एवरेज रेशो अथव, जेके जेके ग्रोइंग कंट्रीज़ आहिनि, 2% पर ईयर आहे वैसे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेके लेस डेवलप्ड आहिनि, जीअं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आहे, या अहिड़े क़िस्म जा जेके मुल्क आहिनि, उन में 3% आहे। ऐं जॾहिं तव्हां एवरेज वर्ल्ड में, दुनिया में ॾिसंदासीं, त पॉपुलेशन पर ईयर 1.8% वधे पई, पर ईयर, पर ईयर सालाना, माना 1.8%, 100 ते तक़रीबन 1.5 खां 2 माण्हू जेके आहिनि 100 ते वधनि पिया हर साल जे लिहाज़ सां जेके आहिनि। ऐं अहिड़े तरीक़े सां वर्ल्ड पॉपुलेशन एट अबाउट 6 बिलियन आहे, इट विल बिकम द 6 बिलियन कॾहिं हुई, जॾहिं 2004 में, जॾहिं हीअ बुक असांजी पब्लिश थी उन दौरान, हाणे इहा तक़रीबन 10 बिलियन अथव। ऐं अहिड़े तरीक़े सां इन्वायरमेंट में बि पाण पढ़ी आयासीं, तव्हांखे फस्ट ईयर में पढ़ाए आयुसि, चैप्टर नंबर 1 में हिकिड़ी हूंदी आहे डीफॉरेस्टेशन, जॾहिं प्लांट खे कटींदा आहियूं, जॾहिं प्लांट लॻाईंदा आहियूं त उनखे एफोफॉरेस्टेशन चइबो आहे। एंड पॉल्यूशन, यू नो वेरी वेल, पॉल्यूशन इज़ पॉइज़न फॉर द एनवायरमेंट, हीअ बि पाण चैप्टर 1 में डिस्कस करे आयासीं। पॉल्यूशन इज़ पॉइज़न फॉर द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन काज बाय मेन एंड ऑब्जर्व बाय मेन, पॉल्यूशन काज़िंग सब्सटेंस खे पाण पॉल्यूटेंट्स जो नालो ॾींदा आहियूं। पॉल्यूटेंट्स माना अहिड़ा केमिकल्स जेके पॉल्यूशन कंदा, जीअं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, टार आहे, डस्ट आहे, स्मोक आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं पॉल्यूशन जा पाण वटि 3 टाइप्स आहिनि, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। हाणे जेकॾहिं पाण एयर पॉल्यूशन जी ॻाल्हि कयूं, छो जो एयर पॉल्यूशन ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जे करे थिए थी, कार्बन मोनोऑक्साइड जे करे थिए थी, तार जे करे थिए थी, या मिनरल्स, डस्ट, रेज़न्स, पोलन ग्रेन्स, एरोसोल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजन्स या रेडियो एक्टिव मटीरियल जे करे थिए थी। ऐं उन खां बाद में त स्टेशनरी कंबस्शन ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल बर्न फ्यूल एट वेरी हाई टेम्परेचर, जेके नाइट्रोजन ऑक्साइड डेवलप कंदा हुआ, ऐं फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट बि डेवलप थींदा आहिनि। माना सनलाइट जी प्रेज़ेंस में जेका मिटी आहे, पाणी आहे या ॿिया मटीरियल्स आहिनि, पाण में रिएक्ट करे करे फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट्स ठाहींदा आहिनि। ऐं इहे फोटो केमिकल स्मोग बि ठहंदो आहे, माना कराची जे मथां तव्हां ॾिसंदो, कराची जॾहिं वेंदो, कराची जे मथां तव्हांखे जेका आहे ब्लूश कलर जी हिकिड़ी ग्रे नज़र ईंदी, ग्रे हैस नज़र ईंदी, या हिकिड़ी लेयर नज़र ईंदी, तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे लॻंदो शायदि क्लाउड्स आहिनि, पर असल में इहे क्लाउड्स न आहिनि, छो जो समुंड खां घेम थी अचे ऐं हेठि खां गाॾियुनि जो धुओं थो थिए, गाॾियुनि जो जेको आहे डस्ट मिटी थी थिए, ऐं उहो सॼे शहर जे मथां हिकिड़ी पॉल्यूशन जी लेयर डेवलप करे थो, ऐं उहा लेयर जेका आहे स्मोक जी फॉर्म में अवेलेबल हूंदी आहे। ऐं इहा ई स्मोक जेका आहे उहा लाहौर में बि ठहंदी अथव, जीअं जीअं मौसम थधी थींदी त उन दौरान स्मोक वारी कंडीशन जेका आहे लाहौर में तमामु घणी थींदी आहे, माण्हू साह न खणी सघंदा आहिनि, घुसाटिजी वेंदा आहिनि। ऐं अहिड़े तरीक़े सां एसिड रेन वारी कंडीशन आहे, एसिड रेन असां चवंदा छा कीअं आहियूं, एसिड रेन चइबो आहे तेज़ाबी बारिश खे, हीअ असल में हवा जी गदलाण अथव, हवा जी गदलाण आहे, माना हवा में जॾहिं सल्फर ऑक्साइड्स अवेलेबल हूंदा ऐं इहे जॾहिं वाटर सां रिएक्ट कंदा, इट फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, बट इट फॉर्म द डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अवेलेबल आहिनि ऐं इन जा वाटर वेपर सां जेकॾहिं रिएक्शन थिए थो या पाणीअ सां, त इन मां नाइट्रस एसिड ठहे थो, नाइट्रस एसिड।
अड़े तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे तो वाटर से इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड अड़े तरीके से एयर पोल्यूशन जी हवा की गलरान उनमें एसिड रेन तमाम खतरनाक है इन की डाइल्यूट होने के इन की पीएच तकरीबन 5 होंगी पर उनके बावजूद जैसे को तेजाबी बारिश तवे मथा असाजे मथा कें प्लांट्स के मथा कें जानवर के मथा थे तो उनमें प्रॉब्लम्स थी सकंदा प्रॉब्लम्स केड़ा थी सकंदा जिकड़ी का कलर शे आए उनको कलर खत्म थी सके तो जिकड़ी को फ्रूट्स अवेलेबल आए तो फ्रूट खत्म थी सके तो क्रॉप जिकड़ी का अवेलेबल आए डेवलप्ड आए वह क्रॉप जिका है खत्म थी सके थी जाम सारा बिया जिके स्किन प्रॉब्लम्स आन तवा असंगे थी सकंदा नंबर टू तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आए आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग चेबो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जो मतलब यो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन वधंदी जड़े छोजो सन रेस जिन जड़े अस अचन था इन रेडिएशन्स के जमीन ते तकरीबन 2-3% कम आए बाकी रिमेनिंग तमाम जो भी मटीरियल है तकरीबन 45% रेडिएशन्स अर्थ ते अचन था उनमें 2-3% रेडिएशन्स जे फोटोसिंथेसिस में या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूज कर बाकी जो 40-42% आए इनके रिवर्स बैक थे है पर छो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस अवेलेबल है या इन रेडिएशन्स के हवा में वापस वन न डी है असि जमीन के मथा ये रेडिएशन्स जमा था वन इन रेडिएशन्स के कंटिन्यूसली तवे इर्द गिर्द जमा थे गर्मी पी थे इन गर्मी थियण वाली कंडीशन के पा ग्लोबल वार्मिंग चवंदा जमीन जो गर्म थियण जमीन ते गर्मी या टेम्परेचर जो वधण दैट नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इज द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन ओजोन जमीन के मथा एक प्रोटेक्टिंग लेयर मौजूद है तकरीबन 30-35 किलोमीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जमीन के मथा तकरीबन 25-35 किलोमीटर मथे एक प्रोटेक्टिंग लेयर मौजूद है उन प्रोटेक्टिंग लेयर के पा ओ थ्री चवंदा एंड दिस इज नोन एज अ ट्राई ऑक्साइड लेयर दिस इज नॉट मीन्स सैटिस्फाइड या परमानेंट स्ट्रक्चर है हाँ इनमें यो हों तो ही तकरीबन मथा जी हजर्डियस रेडिएशन्स उनके एब्जॉर्ब करें थी ये रेडिएशन्स असाजे जमीन से रेडिएशन्स ये खतरनाक किस्म जहाँ रेडिएशन्स अस जमीन का इमिट क्यों कड़ी फॉर्म में इमिट क्यों CFC की फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फॉर्म में अस इनके इमिट क्यों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जमीन का मथे वही कर O3 के डिस्टर्ब कंदा जैसे O3 के डिस्टर्ब कंदा तो मथा का जो आयोनाइजिंग रेडिएशन्स आए वो डायरेक्टली असा मथा किरंदा जैसे करे असेंगे म्यूटेशन थे थी स्किन कैंसर थन उनका बाद में जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज थन थी बो प्रॉब्लम थी सके तो क्लोरीन के लिए तो वे एक क्लोरीन जो एटम जो है तकरीबन 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल्स के डिस्टर्ब कर सके तो ओजोन लेयर अस प्रोटेक्टिंग लेयर है जो ऑक्सीजन की ट्राई ऑक्साइड लेयर है यह ऑक्साइड लेयर जो स्किन कैंसर इनमें प्रॉब्लम थे कर स्किन कैंसर थी सके तो या जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज थी सकती या प्रॉब्लम थी सकता अदर वन इज द वाटर पोल्यूशन माना पानी में गदलान पानी में जो गदलान वाली कंडीशन थे थी पानी में जो आलूदगी या गंदगी थे थी वह ज़्यादातर जो है डोमेस्टिक कंडीशन से करे थे थी इंडस्ट्रियल के करे थे थी एग्रीकल्चर के करे थे थी डोमेस्टिक जो मतलब यो है तुम घर में जो सेवरेज जो पानी कढ़ो था शैम्पू आए सोप आए फिन्स आए फिनाइल आए ऑयल आए जो शूँ रिलीज कर उन पानी के अंदर पोल्यूशन थे थी इंडस्ट्रियल जो मतलब यो है जो इंडस्ट्रीज आज उनमें गर्म पानी तो निकरे या उनके इंजन में ऑयल या तेल तो निकरे या उनका बाद में मुख्तलिफ़ किस्म जो शिप जहाज हैं उ जैसे समुंड में वन था उनके इंजन में या किथा भी जो ऑयल रिलीज थे तो उनके भी पोल्यूशन थी सके थी नॉर्मली अस दवाओं यूज क्या जी इंसेक्टिसाइड है इंसेक्ट के मारने के करे हर्बिसाइड्स आए जेके हर्ब प्लांट्स के गैर जरूरी वीड्स के मारण के लिए एंग्रो यूरिया किसान यूरिया फर्टिलाइजर यूज क्या उनके प्रॉब्लम थी है इनका बाद में बी शो एक होंगे यूट्रॉफिक लेक हों बया हों ओलिगोट्रॉफिक लेक हाँ इनके जरूर ऐसो छो कहीं कहीं क्वेश्चन दींदा तो यूट्रॉफिक लेक जो मतलब है अड़ो लेक जैसे न्यूट्रिएंट्स तमाम घना हो
अड़ी लेक जैसे अंदर न्यूट्रेंट्स तमाम घना होजन मथा अलजी जी तह या लेयर होजन माना फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है इनके मथा अलजी जी तमाम घनी लेयर होजन हाँ इन में अलजी अवेलेबल है इन एनवायरमेंट में इनके अलगल ब्लूम भी चाहिए यूट्रॉफिक लेक के यूट्रॉफिक के पान अलगल ब्लूम भी चवन छो जो अलजी जो है वो तमाम घनी क्वांटिटी में इनकी सरफेस के मथा अवेलेबल होंगी है मथा एक लेयर ठाई है अलजी के उन हार्ड लेयर के करे मथा एक लेयर ठे थी उनके करे हेठ वारा जो जानदार होंगे उनके मटीरियल ऑक्सीजन न मिली सकती है या रेस्पिरेशन प्रॉपरली न थी सकती है हालांकि इन माहौल में यूट्रॉफिक लेक में खाधो घणो है अलजी तमाम घना अवेलेबल है पर इनके अंदर जानदार सर्वाइव न कर सकता है छाजे करे छो वे प्रॉपरली रेस्पिरेशन न कर सकता है तेज कर जैसे तो ओलिगोट्रॉफिक लेक जन इन में अलजी घट होंगी है न्यूट्रेंट्स घट हूँ पर इन इन्वायरमेंट में जाम सारा जानदार सर्वाइव कर सकता छो जो इन ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन जानदार प्रॉपरली कर तेज कर याद रखा तो रेस्पिरेशन इज मोर नेसेसरी देन द फूड तवो सह जो घुट एट टाइम मरी वो मानी खाधो जो टे ढी न मिले चार ढी न मिले तो रही वो तेज कर ओलिगोट्रॉफिक लेक्स दैट आर गुड फॉर द रेस्पिरेशन दे सपोर्ट फॉर द रेस्पिरेशन तेज कर आराम से आसानी से जानदार रही सकता डॉक्टर लैंड पोल्यूशन होंगी है जो जमीन से आलूदगी थे थी या जमीन से जो आलूदगी थे थी वह ज़्यादातर प्लास्टिक बेग्स के करे थे थी हाउस होल्ड थ्रेश ट्रेश के करे थे थी सेवेज स्लग्स के करे थे थी गार्बेज के करे थे थी एग्रीकल्चर रेजिडुअल मटीरियल्स के करे थे थी इंडस्ट्रियल वेस्ट के करे थे थी DDT पाउडर के करे थे थी कैरोसिन ऑयल के छिड़कण के करे थे थी मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ बया केमिकल सब्सटेंस जमीन के मथा होने के इन बाद में नेक्स्ट जी ही टे मटीरियल पोल्यूशन माना एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन इज नोन एज अ मटीरियल पोल्यूशन बी जी नॉन मटीरियल पोल्यूशन है कड़ी चैप्टर एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन सॉरी एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन ये मटीरियल पोल्यूशन ये नॉन मटीरियल पोल्यूशन नॉन मटीरियल पोल्यूशन में वन इज द नॉइज पोल्यूशन एंड अदर वन इज द रेडिएशनल पोल्यूशन यू नो वेरी वेल अबाउट द रेडिएशन छो जो रेडिएशनल पोल्यूशन जो है ज़्यादातर इन्वायरमेंट में अनवॉन्टेड कंडीशंस क्रिएट करे थी स्पेशली फॉर द जेनेटिकल मटीरियल रेडिएशन्स जो निकली ग्लोबल वार्मिंग जो काज बाद में जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज थी वन सा रेडिएशन्स जो कॉमनली असाज लाइ खतरनाक अल्फा रेज गामा रेज बीटा रेज या आयोनाइजिंग रेडिएशन्स आर वेरी डेंजरस नॉइज पोल्यूशन जो डॉक्टर वो ज़्यादातर जो है लाउड स्पीकर जो आवाज़ है मोर देन 80 डेसिबले अबो डेसिबेल इन जो यूनिट है अबो डेसिबेल 80 डेसिबेल्स जो साउंड है उनके पान अनवॉन्टेड साउंड चवंदा या नॉइज में काउंट कहना माना 80 डेसिबेल का आवाज़ है तो उनके पा नॉइज चवंदा इनमें ज़्यादातर नॉइज वो जो आवाज़ है वो रिक्शा जो है ऑटो जो है या मोटर व्हीकल्स जो है एयरक्राफ्ट जो है मोटर बोट्स जो है शिप्स जो है लाउड स्पीकर जो है सोशल गैदरिंग्स में यूज के स्पीकर्स उन जो है पॉप सिंगर जो है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है या मुख्तलिफ शन बीड़ी शे याद रख इन नॉइज पोल्यूशन जो असि बॉडी से एक तो फिजियोलॉजी मेंटल इफेक्ट थी माना इनजो जो इफेक्ट है तवे फिजिकल मेंटल कंडीशन से गण फिजिकल मेंटल कंडीशन से या साइकोलॉजी फिजियोलॉजी फिजिकल माना जो मूँ काम इन क्वाइट इन्वायरमेंट में माहौल में कम कह सुठो परफॉर्म कर जो गोड़ में शोर शराबे में या मोटरसाइकिल रक्षा से कम कह या अड़े किस्म की कंडीशन से वो वर्क कह उनको जो बिहेवियर हों वो थोड़ा चेंज हों बी शी याद रख इन जे करे असा के हेडेक थे तो फटीक थे तो नॉजिया थे थी या मुख्तलिफ़ कंडीशन्स थे थी नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पोल्यूशन जो है उनके ख़त्म करने के लिए तुम नॉर्मली बायो रेमेडियंस जो कंसेप्ट यूज कर माना जो पा चाहूँ था पोल्यूशन खत्म थे तो एक जानदार के मारण के लिए कें बे जानदार को यूज़ कर फॉर एग्जाम्पल पा फिश
यूज़ क्यों था मॉस्किटो के ख़त्म करने के लिए, ड्रैगन फ्लाई के स्पेशली यूज़ क्यों था पा मॉस्किटो के ख़त्म करने के लिए, तो अड़े तरीके से वी आर एबल टू यूज़ द बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरिया इट दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू किल द कैटरपिलर लार्वी माना बजाय इनके जिन तुम कें जानदार के मारे हो इंसान तो तुम इनके कैटरपिलर कैटरपिलर के लार्वा जी असाजे प्लांट लाइ खतरनाक आन उन्होंने किल कर मारण के लिए तुम कैटरपिलर के किल कर कैटरपिलर की कैटरपिलर किल की स्पेल पे लिखी कैटरपिलर माना जो लार्वा होंदा उन्होंने खत्म करने के लिए तुम कें शो यूज कर सोता बेसिलाइ थ्यूरीजेनेसिस कर सोता नॉर्मली जो भी शूँ तुम उन्होंने रिसाइकिल कर तुम बेहतर है जैसे शुन के रिसाइकिल कौन तो तवे घड़ियन शो है बचाव थी सके तो नॉर्मली जो लास्ट में डिजीज डनल इन जरूर याद रखो है छो जो डिजीज में हर दफे एक या ब डिजीज डींदा तो ये पंज ये डिजीज आन उन जरूर याद रख हेल्थ है उनकी WHO की डेफिनेशन तो हेल्थ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन तो कंडीशन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इन जो मतलब यो है मन इन जो मतलब यो है फिजिकली मेंटली मानू ठीक होने खपे फिजिकली मेंटली तदें ठीक थी सको मानू जैसे जाहरी गाल है उनके उए शयूं जिन बेहतर अवेलेबल होंगे उन लिहाज से अस जाम सारी डिजीज आन वायरल डिजीज आन इन्फ्लुएंजा है एड्स है हेपेटाइटिस है चिकन पॉक्स है रेबीज आन बैक्टीरियल डिजीज आन ट्यूबरकुलोसिस है टाइफाइड है नमूनिया है कॉलरा है तुम इन याद रख जो डिजीज आन उनका काजिज उनकी ट्रांसमिशन किए थे फंगल डिजीज भी तुम याद रखना रिंगवाम है टेनिया वर्सिकोलर है टेनिया पेडस है प्रोटोजोनल डिजीज आन अस हेलमिंथिस डिजीज आन न्यूट्रिशनल डिजीज आन अड़े तरीके से तुम जेनेटिकल डिजीज आन हाँ जेनेटिकल डिजीज पान बिन किस्म जो एक फ्रॉम बर्थ होंद उन्होंने चबो तो कंजेनिटल डिजीज दैट आर फ्रॉम बर्थ कंजेनिटल डिजीज चबो है कंजेनिटल डिजीज जो मतलब है दैट आर फ्रॉम द बर्थ पैदा थे वही असडी के अंदर होंद होंद नॉन कंजेनिटल डिजीज जी नॉन कंजेनिटल होंद पैदा थे बाद में टी पी साल बाद में जो सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया अल्बिनिज्म आर द कंजेनिटल दैट आर फ्रॉम द बर्थ जैसे इस्तमा डायबिटीज जो है जाहिर ना थी वह तक इन्वायरमेंटल फैक्टर के बॉडी में जाहिर थी एजिंग डिजीज होंद ऑस्टियोराइथराइटिस है एलिजमर डिजीज आन उन बाद में डिजीज के कंट्रोल कर रोकण के लिए तमाम मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ तरीक़ेकार पा पढ़ी आया से केयर कर जरूरी है उन बाद में जिते वो वायरस को बैक्टीरिया मौजूद है उनके मत एंटीसेप्टिक दवा जो यूज कर जरूरी है जैसे कें जानदार के फैलजे पो तो उनके वेक्टर चबो है उन वेक्टर के मारण जरूरी है जे मू बीमार आइडेंटिफिकेशन करना जो ठीक है उनकी आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है सो इट्स ऑल अबाउट